हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रीतू, मैं आ गई हूँ फिर से एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कोलकाता स्टाइल फ़िश फ्राई घर पर ही। बहुत ही इजी रेसिपी है। देखने में लगता होगा कि नहीं बहुत ज़्यादा टफ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऐसे ऐसे टिप्स मैं बताऊँगी जिससे कि आप इजीली इसे घर पर बना के तैयार कर सकते हैं। फ़िश फ्राई बनाने के लिए मैंने इधर लिया है पांगाश फ़िश, जो कि इजीली किसी भी फ़िश मार्केट में आपको मिल जाएगा। फिर हम कर लेंगे इसे मैरिनेट। उसके लिए डालूंगी स्वाद अनुसार नमक और डालूंगी मैं एक नींबू का रस, जिससे कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर मैं डालूंगी इस पर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून धनिया पत्ता, हरी मिर्च और पुदीना पत्ता का पेस्ट। फिर सारी चीज़ों को मैं आपस में अच्छे से मिक्स कर लूँगी फ़िश के साथ। उसके बाद मैं इसे 1 से 2 घंटा मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। आप इसे जितना मैरिनेट करेंगे खाने में ये उतना अच्छा लगेगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप आधा घंटा या फिर 1 घंटा भी कर सकते हैं। जब तक फिश रेस्ट में, तब तक हम बना लेते हैं कोटिंग के लिए एक ड्राई पाउडर। तो सबसे पहले मैंने लिया है इधर कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर आप उतना लेना जितनी की फ़िश की क्वांटिटी हो। फिर मैं इस पर डाल रही हूँ क्वांटिटी के हिसाब से आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप क्वांटिटी इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, और अगर कम पसंद है तो आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर मैं इस पर डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और डालूंगी नमक। नमक मैंने बहुत थोड़ा है क्योंकि हमने फिश में भी नमक डाला था, तो इसलिए स्वाद के अनुसार आप डाल लेना। और मैं यूज़ करने वाली हूँ 2 एग। अगर आपको एग नहीं डालना तो आप एग कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। बिना कुछ डाले हम एग को नॉर्मल मिक्स कर लेंगे। और मैं यूज़ करने वाली हूँ इधर ब्रेड क्रम्स। ये मार्केट के रेडीमेड ब्रेड क्रम्स है। अगर आप चाहें तो आप होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ना फिश को मैरिनेट होने के लिए रख दिया था 2 घंटे। अब मैं लूँगी फिश के पीस को और उससे पहले मैं कॉर्नफ्लावर के ड्राई पाउडर में अच्छे से कोट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसे एग में कोट करूँगी। उसके बाद मैं इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करूँगी। तो ये देखिए, मैंने फ़िश के पीस को ना इस तरीके से कोट कर लिया है। अब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सिक्योर हो गया है। को और एक करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें इसे कॉर्नफ्लावर के ड्राई पाउडर में अच्छे से कोट करना है। उसके बाद हमें इसे एग में अच्छे से कोट करना है, और फिर हमें इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। बहुत ही ना यूज़फुल टिप मैं आपको देती हूँ। जिस हाथ से आप कॉर्नफ्लावर में और एग में फ़िश को कोट करते हो, उसी सेम हाथ से आपको उसे ब्रेड क्रम्स में कोट नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा और जो ब्रेड क्रम्स है ना उसके छोटे छोटे गांठे बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और वो अच्छी तरीके से फिर कोट नहीं करेगा फ़िश को, और जो ब्रेड क्रम्स है वो गीला भी हो जाएगा। तो इस वजह से ना आपका जो दूसरा हाथ है आप उससे ब्रेड क्रम्स कोट करें, उसे फिर आप और एग में कोट करने के लिए यूज़ ना करें। तो ये देखिए, मैंने सारे फ़िश को इस तरीके से कोट कर लिया अच्छे से। अब ना आपको जितने फ्राई करने हैं आप उतने कर लेना, और बाकी जो बचेगा ना आप उसे एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज पे 1 से 2 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैंने कढ़ाई पे डाला है रिफाइन ऑयल। ऑयल को हमें अच्छे से गर्म करना है। उसके बाद ना जो फ्लेम है उसको एकदम स्लो करके हम इसमें एक एक करके फ़िश के पीसेस को डाल देंगे। हमें ना एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक ही बारे में बहुत सारा फ़िश हमें नहीं डालना है। फ़िश के बीच में ना हमें थोड़ा थोड़ा गैप रखना है। एक बात और जिसका हमें खास ध्यान रखना है कि जब हम फ़िश को ऑयल में डालेंगे उसके साथ ही साथ हमें इसे उलट पलट के फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ना जो इसके ब्रेड क्रम्स है ना ये छूट सकते हैं। तो ये देखिए, फ़िश का जो एक साइड है ना ये अच्छे से गोल्डन कलर का फ्राई हो गया है। एकदम स्लो फ्लेम में मैंने इसे पकाया है। अब मैं इसे पलट दूंगी और इसका ऑपोजिट साइड भी ना मैं ऐसे ही फ्राई करना है, एकदम लो फ्लेम में। तो ये देखिए, एकदम स्लो फ्लेम में ना फ़िश के दोनों साइड अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन करके फ्राई हो गया है। फ़िश अंदर से कच्चा भी नहीं है और अच्छे से पक भी गया है। अब मैं निकाल लूँगी अलग से इसे। तो ये देखिए, फ़िश फ्राई हमारे घर पर बनके तैयार हो गया। इसे देख के लग रहा है कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी होगा। आप भी इस तरीके से बनाना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसे लगी। आप इसे किसी भी अपने मनपसंद डिप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मैंने इधर लिया थोड़ा सा तंदूरी मेयो, थोड़ी हरी चटनी और थोड़ा सा मेयोनीज। ऐसे और मज़ेदार रेसिपीज और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। मैं फिर मिलूंगी आपको एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।